round of applause, please. हमने सिर्फ म्यूजिक क्यों चलाई, क्योंकि गाना तो हम लाइव सुनेंगे। सुनना चाहेंगे कि नहीं आप लोग? और ममता जी, राम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन वेलकम टू पेनड्रिल बिग गोल्डन वॉइस। आज हम टॉप यहां पे सिलेक्ट करने वाले टॉप 5 में से एक टॉप मुंबई में से। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द 5 कंटेस्टेंट्स एंड बहुत ही प्यारा वेलकम हुआ है। इफ वी कैन जस्ट रोटेट द कैमरा माइन वन। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड सपोर्टिंग अवर सॉन्ग सो मच। थैंक यू सो मच दिलीप जी फॉर वेलकमिंग अस ओवर हियर। सॉरी, आर यू रेडी? आर यू रेडी? दिलीप जी की आवाज भी आज हम वी वांट टू सी सम एनर्जी इन यू गाइस ऑल थ्रू आउट, नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स आल्सो। बिग नॉइज, इट हैज टू बी, एवरीथिंग हैज टू बी बिग नॉइज। यस, सो आर यू रेडी एवरीबॉडी? यस, या दैट्स द वे। एक ता दिल दा हाल बुरा, एक तन्हाई जाने रही, जना रंग दी रात सुबह तेरे नाल प्रीत जे ता दी रही। यार यार वे सन के तार वे नींदा अपनिया खोया, रज रज अखिया रोया, जब दिया तेरिया होया, रज रज अखिया बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप दोनों को हम थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने समय निकालकर पेनेट्रल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 के इस सिटी फिनाले को जज करने के लिए यहाँ पर आपने अपनी उपस्थिति दी है। तो वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपना आसन ग्रहण करें और अब हम एक एक करके टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को भी आपसे मिलवाना चाहेंगे, जिसके बाद ये जो टॉपिक गा लेते हैं मानव। मानव के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मानव टॉप 5 में से एक हमारे, और मानव के बाद जो दूसरा नाम है, पहले मैं सब चेहरे तो दिखा दूं क्योंकि आवाजें तो आपकी सभी लोग सुन रहे हैं। स्वरजीत सिंह, स्वरजीत जी आइए। और मुंबई से टॉप 5 में जिन्होंने जगह बनाई है वो अगला नाम है शरण्या का। शरण्या एंड अगली आवाज मोहम्मद रिजवान, जो है टॉप 5 के माफी कंटेस्टेंट। और जो आखिरी नाम है वो है ऋषिका का। आइए ऋषिका। तो ये है वो टॉप 5 कंटेस्टेंट जिनके बीच आज मुकाबला होगा और इनमें से कोई एक आगे बढ़ने वाला है सिटी फिनाले को जीतकर देश भर से चुनकर आई हुई बाकी आवाजों के साथ कॉम्पीट करने के लिए। और उस को जज भी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में? एक तो ये सभी के सभी अपने आप में सुपरस्टार्स हैं, इसलिए वो टॉप 5 में इधर हैं टुडे। एंड सबसे बढ़िया बात ये है कि आप अगर सबकी आवाजें सुनेंगे कि कोई किसी से मैच नहीं करता है, सबकी अपनी इंडिविजुअली यूनिक वॉइस है, अलग वॉइस है और सब डेप्थ वाली वॉइस है। मतलब आप आँख मीच के अगर सुनेंगे तो सोलफुल लगता है सबका अपने अपने तरीके के वॉइस में। सो दैट इज मेक्स यू विनर ऑलरेडी, कहीं पे भी आप जाएंगे लाइफ में, कभी भी आगे भी। सो कोई भी कॉम्पिटिशन कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकता। लाइफ इज इट्सेल्फ अ कॉम्पिटिशन, सो इट मस्ट गो ऑन ऑलवेज। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर ऑल्सो एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट व्हाट आई फील कि आप पाँचों में एक सबसे बेस्ट पार्ट अगर आप सिंगिंग में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी यू हैव द क्या कहना चाहिए आपके पास पिस्टल है, सिर्फ फायर करने का टाइमिंग आपको चाहिए। आई थिंक यू ऑल आर विनर्स एंड इतने लाखों करोड़ों लोग के बीच में आप यू नो यू 5 आई एम द टॉप 5 और मुंबई को रिप्रेजेंट करेगा आप में से एक। मुझे लगता है कि सब आप में इतनी आप में इतना टैलेंट है और इतना वर्सेटाइल है
सो आई थिंक मेड द बेस्ट विन टुडे एंड बिल्कुल ये नहीं सोचना अगर आप इस कॉम्पिटिशन को जीत नहीं पाते दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एंड वी वुड लाइक टू थैंक पेनिटल विद गोल्डन वॉइस की उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आप सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे द बेस्ट विन टुडे Trust my words. It's because all of you are so good. हम हमेशा confused रहते हैं उस दिन भी बहुत confusion से हम लोगों ने top six निकाला था बड़ी मुश्किल से and आज भी हम सुबह से वही सोच रहे थे कि यार select कैसे करेंगे so it's totally on what you perform right now trust us. हम लोगों ने कुछ भी ऐसे mind setup नहीं किया कि अच्छा वो nothing is better. We are blank right now. आप जो लिखेंगे वही आपका result होगा today. So believe in that. Believe in yourself. Believe in your voice. ओ तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा दिन रहन करूं ना ही चैन करूं सजदा तेरा सजदा रखवार करूं मेरी जान लुट दूं पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले अब जा लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा दिन रहन करूं ना ही चैन करूं सजदा तेरा सजदा रखवार करूं मेरी जान लुट दूं थैंक यू तो मैच करें और यहां पर पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करें ऊपर से मेरी बैटरी तो नल्ला बोलता है इना मीना दीका डाडा मनीका हे मकना कनाका चीगा बिगा रीका इना मीना रीका रीका डाडा मनीका मगा नागा चीगा बिगा रोला रीका रम पम पोश रम्पम्पोश रम्पम्पो सर्ज तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए हाँ काहे घबराए शुभ रात्रि रे इस दुनिया में दिल ना लगाना दिल देके पड़ेगा पछताना हाँ 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 इस दुनिया में दिल ना लगाना दिल देके पड़ेगा पछताना ये रूप के बेचारे ये दिल लेने वाले पहले पहले होते हैं बड़े भोले वाले कलेजे को नाम पुकारेंगे नाम तू ही है तू ही तो है वो इना मीना दिक्का Hey, gaga manika, naga raka, chika pika rika. Ina mina dika, deka ida manika, maga naga, chika pika rola rika. Rampam posh.
थैंक यू। जो ये गाना गाने जा रहा हूँ मैं, ये मडाली ब्रदर्स का है, तू माने या ना माने दिलदारा, और ये प्यारी लाल जो को समर्पित किया है उनको एज ए ट्रिब्यूट भी उनके लिए और आपके लिए सबके लिए। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਰੂਹ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੈ ਲੁਕਿਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਮਨ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਮਨ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਓ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਮਨ ਦਿਲਦਾਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੂਵੀ ਗੁਰੂ। बड़ा है दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही तुम्हारे नाम पे आए, रंग सार चले गुलों में रंग भरे।
कफस उदास है यारों सबस कुछ तो कहो कफस उदास है यारों सबस कुछ तो कहो कहीं पे बहर खुदा आज जिक्र यार चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बाद बहार चले हमने तो यहाँ पर टॉप फाइव को सुनवा दिया है, वो आए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, और अब एक नाम जो मुंबई से आगे बढ़ने वाला है वो नाम आप दोनों को बताना है। उससे पहले मुझे भूख लगी है। जी तो केक काटें? हाँ, कल क्रिसमस भी थी और वैसे आगे भी ये फेस्टिव सीजन चल रहा है। डेफिनेटली चलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है यार। केक पेश किया। हाँ जी दिलीप जी, और एक गुड न्यूज़ है कि रिसेंटली हमारे सॉन्ग ने रज रज क्या रोया ने 10 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस किए हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है, क्रिसमस और फेस्टिव सीजन चल रहा है। पेनिटल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 के टॉप 5 कंटेस्टेंट हैं और रज रज अखियां रोइया ममता जी, हम लोगों को इसीलिए अंदर बिठा दिया, गाना सुनाइए आप फेडर ऊपर करके। स्वजी, शरण्या, रिजवान और ऋषिका, राम जी गुलाटी एंड ममता शर्मा जी के साथ। और टिश्यू बॉक्स ये अभी रिजल्ट के बाद काम आने वाला है बहुत। ये लम्हा यादगार आप सबके लिए, ममता शर्मा जी के हाथों ये केक सेलिब्रेशन का।
अब मुझे लगता है टॉप फाइव से जो मैंने पूछा था वो अब सवाल पूछा जा सकता है, कौन जीतेगा? है ना, अब पूछा जा सकता है? नहीं, अभी नहीं। आइए हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं कि हम इस मिनिडल बिग गोल्डन वॉइस में वी आर जजिंग फॉर द मुंबई सेगमेंट। एंड आज इतना टफ कंपटीशन था, सारे सिंगर्स ने इतना अच्छा गाया और इतनी वर्सटैलिटी के साथ गाया कि हमारे लिए इतना डिफिकल्ट सिचुएशन हो कि एक विनर हम डिक्लेयर करें। एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ अ विनर हियर, ऑल हैव परफॉर्म वेरी वेरी वेल एंड दिस इज़ सच अ गुड प्लेटफॉर्म जो बिग 92.7 FM इज़ गिविंग द सिंगर्स, यू नो। सो विशिंग एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हम जल्दी अभी विनर डिस्क्लोज करने वाले हैं। बहुत ही वंडरफुल फीलिंग आ रही है बिकॉज एक तो सिंगर्स को सुनना इतना अच्छा लगता है और उसमें से भी टॉप फाइव थे, काफ़ी सारे सिंगरों में से ये टॉप फाइव हम लोगों ने 15 में से लास्ट सेलेक्ट किए थे और सबकी अपनी इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ है, अपना अप्रोच इतना अच्छा है सिंगिंग के तरफ जो कि आपको मेसमराइज जैसे कर देता है। तो आई वुड लव टू थैंक एक्चुअली बेनेड्रिल बिग गोल्डन वॉइस कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि प्योर मतलब सिर्फ म्यूज़िक पे बेस्ड कोई शो है, अदरवाइज आपको उनकी पूरी जन्म कुंडली सिंगर्स की निकाल के और फिर आपको पूरा शो देखना पड़ता है विच इज़ नॉट हियर। जो सिर्फ मतलब सिंगर आ रहा है वो अपनी वॉइस प्रेजेंट कर रहा है एंड वी आर जस्ट जजिंग ऑन देयर वॉइस, नथिंग एल्स, वी डोंट नो उनका बैकग्राउंड के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वी रियली डोंट नो एनीथिंग विच इज़ वंडरफुल बिकॉज आप प्योरली सिर्फ और सिर्फ उनके टैलेंट पे कमेंट्स कर रहे हैं और उनको जो भी मिल रहा है वो अपने टैलेंट के बेसिस पे मिल रहा है विच इज़ रियली गुड। इसे कहते हैं रियल टैलेंट ढूंढना एक्चुअली, सो जो कि बेनेड्रिल बिग गोल्डन वॉइस के थ्रू पॉसिबल हो पाया है एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि वो इतना अच्छा कैंपेन चला रहे हैं एंड उन्हें हमेशा हर साल करना चाहिए। एंड सोनू सर इज़ लाइक मतलब गॉड ऑफ म्यूज़िक, ही सो नॉलेजेबल, वो इतना अच्छा, खुद एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल है वो सिंगर्स के लिए और वो इसे जज कर रहे हैं फाइनली। तो आई गेस कि वो और भी बेहतरीन सिंगर इन सब में से जो हर सिटी से जाएंगे उनको सुन के निकालेंगे और वो एक ट्रीट होगा हम लोगों के लिए वो सिंगर जो भी फाइनल विन करेंगे। रिसेंटली सोनू सर आए थे, उन्होंने कहा था कि इस तरह के रेडियो शोज़ रियल होते हैं, फिक्शनल शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ उनमें ड्रामा होता है, फिक्शन होता है, कोई एक्टर ये तो आप एक्चुअली जो मैं देखती हूँ मतलब टीवी पे जो देखते हैं, मैं इस पे कमेंट करने की बजाय मैं ये बताना चाहूँगी कि व्हाट आई लाइक ऑन टेलीविजन। मुझे टीवी पे रियलिटी शोज़ आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर न्यू बडिंग टैलेंट, इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म और हमें इतने सारे सिंगर्स मिले भी हैं उसके थ्रू बॉलीवुड में और वो अपना सिंगल्स के थ्रू भी बहुत अच्छा करें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बट जो ड्रामा की बात है तो जो ऑडियंस देखती है वो समवेयर कहीं ना कहीं इंजॉय भी कर रही है, जिसकी वजह से टीवी चैनल्स आई थिंक बाध्य हैं वो ड्रामा करवाने के लिए और करने के लिए टीआरपीज के लिए। यस, तो आई डोंट नो हुम टू ब्लेम फॉर दिस, बट आई थिंक अगर कोई रियलिटी शो आप बता रहे, रियलिटी अगर बता रहे हैं और जिसके लिए बता रहे, अगर एक्टिंग का है तो एक्टिंग बेस्ड होना चाहिए, उसमें वो बंदे का बैकग्राउंड क्या है ये आना नहीं चाहिए बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छे घर से है, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं तो वो अच्छा सिंगर नहीं हो सकता। लाइक ये तो अरे इसको तो मिला हुआ है, ज़रूरी नहीं है। एक्टिंग, म्यूज़िक, ये सब आर्ट है, ये सब आई थिंक पहले तो गॉड गिफ्टेड होता है आपके अंदर थोड़ा सा, तब आप उसको पॉलिश करके निखार सकते हैं, अदरवाइज कितना लोग सीखने की कोशिश करते हैं पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग। सो आई थिंक रियलिटी शुड बी रियलिटी अबाउट वॉट एवर द शो इज़ अबाउट। और मुझे लगता है कि ये कंपटीशन बिल्कुल अलग है और फॉर सिंगर्स इसको हमें और पुश देना चाहिए क्योंकि ये ऐसा है कि यहाँ पे प्योर वोकल पे आप वोकल्स की वजह से चुने जा रहे हो, आप विनर हो जा रहे हो। जैसे हम रियलिटी शो में हमने जैसे बोला ड्रामा होता है, एक्शन होता है, वहाँ पे एक आर्टिस्ट को ओवरऑल प्रेजेंटेशन की तरह देखा जाता है कि वो परफॉर्म कैसे करते हैं, दिख कैसे रहे हैं ओवरऑल। बट आई थिंक एज अ सिंगर, एक वोकलिस्ट के लिए आप वोकल्स कितने अच्छे हैं, सिंपल उसी ए, अब देखो आज का कॉम्पिटिशन सिर्फ एक गिटार के साथ था, तो इसमें हमें सिंगर की पूरी एक
वॉइस के बारे में पता चलता है कि हाउ गुड दैट सिंगर इज, उनकी टेक्निक्स कितनी अच्छी है. और आई थिंक अगर रियलिटी में हम उनके बैकग्राउंड और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा अगर मिक्स करते हैं तो इससे जो बेचारे सिंगर्स जो कभी फेस ही नहीं किए ऑडियंस को, वो और ज़्यादा नर्वस फील कर सकते होंगे. हो सकता है वो अपना 100% परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पर. तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि आपको कभी भी रियलिटी और पर्सनल बैकग्राउंड मिक्स नहीं करने चाहिए. आई थिंक इट वॉज अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल द सिंगर्स. सब ने इतना अच्छा गाया और हर एक सिंगर की अपनी पहचान है, अपनी आवाज़ है, एक जॉनर से वो करते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल जो पूरा सेशंस हमने अटेंड किए हैं, आज ये फाइनलिस्ट 5 को सिलेक्ट किया है, तो आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड इन देयर ओन जॉनर्स. और बहुत अच्छा गाया सब ने. एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर अस टू चूज़ कि इसमें से एक को हम विनर कैसे. और वैसे भी ये रेडियो पे ही नहीं, आप कहीं पे भी जाइए, टैलेंट को जज करना वाकई में एक तरीके से अगर रियल हम देखें तो नामुमकिन है. यू कैन नॉट जज एनीबॉडी. आपको आप नहीं जानते किसके अंदर क्या क्षमता है. वो एक्चुअली उस मोमेंट पे डिपेंड करता है, जिस मोमेंट में वो परफॉर्म कर रहा है उसका कनेक्शन अगर उस वक्त सही है, वो हार्मनी में है अपने परफॉर्मेंस के साथ, तो वही जजेस के सामने आता है और जज उसी परफॉर्मेंस को देख के फीडबैक देते हैं. तो अब किसी का किसी दिन गला ख़राब है या किसी ने रात भर सोया नहीं है या किसी ने नया गाना प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने का कोशिश किया है, तो ऑल दीज फैक्टर्स एड ऑन. तो इट्स रियली टफ एक्चुअली कहीं पे भी, या टीवी पे या रेडियो पे या एनीवेयर, टू जज एनी सॉर्ट ऑफ टैलेंट. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर विनर्स, दे ऑल हैव परफॉर्मड एब्सोल्युटली वेल. सो आज जिसका दिन लकी है वो आज अवार्ड ले जाएगा. मेरी मेमोरी इधर से ही है, बिग 92.7 एफएम से. मेरी पहली पिक्चर का लॉन्च इसी प्लेटफॉर्म पे हुआ था. सुनिधि चौहान जी ने एल्बम लॉन्च किया था. सो आई एम फीलिंग सो नाइस, आई एम एट द सेम प्लेटफॉर्म अगेन. एंड आज हम बेनिटल बिग गोल्डन वॉइस जज कर रहे हैं एंड इट्स सो नाइस. इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे सिंगर्स को, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑन योर वोकल आपकी जीत है. तो आई थिंक मेरा रेडियो से ऐसा कुछ खास नहीं है, बट मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ आई ऑलवेज लिसन टू रेडियो, बिकॉज मुझे उसमें पता ये है कि आप जब सुनते हैं तो आप वही सुनते हैं जो आपको मालूम है, लेकिन रेडियो आपको वो सुनाता है जो आपको मालूम नहीं भी हो सकता है. तो कुछ सरप्राइज़ निकलता है कभी, जैसे अभी इस पे 92.7 पे दिलीप साहब का जो शो आता है 90s के और 80s के, वो गाने बजाते हैं ब्यूटीफुल मेलोडीज, मतलब उनकी खुद की आवाज़ इतनी मेस्मराइजिंग लगती है व्हेन ही प्रेजेंट्स द शो. तो ये सब सुनने को बहुत कम मिलता है. अपने आप से हम लोग गाना सर्च करके ढूंढ नहीं सकते, लेकिन वो जब बैठ के इत्मीनान से आपको एक 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 करके गाने सुनाते हैं, अनमोल रतन टाइप्स, तो वो बहुत दिल को ठंडक पहुंचाते हैं, दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं एंड अंदर से एक इंस्पायर करते हैं. क्योंकि हम लोगों ने जितना भी कुछ सिंगिंग के बारे में सीखा है वो आई थिंक कसित से ज़्यादा सीखा है, लता जी से, आशा जी से, किशोर दा जिस तरीके से गाते थे, रफ़ी साहब इतना नॉलेजेबल होके भी वो लोग अपना वॉइस को कंट्रोल करके गाते थे, तो ये सब चीज़ें वो उन गानों से सीखने को मिलती हैं. आई थिंक गायकी अपनी जगह है, लेकिन ये लोग अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है आई गेस. सो वो रेडियो के थ्रू हमको सुनने को मिलता है. बी योर सेल्फ, आप अपनी आवाज़, ऊपर वाले ने सबकी आवाज़ अलग बनाई है, ट्रस्ट मी. किसी दो लोगों की आवाज़ एक सी नहीं होती, अनलेस वो किसी की आवाज़ कॉपी करना चाहे. सो डोंट कॉपी. ऑफ कोर्स दूसरे का टेक्निक देखना चाहिए, सीखना चाहिए टेक्निक से, लेकिन उस टेक्निक को अपने गले के हिसाब से यूज़ करना चाहिए. नॉट द कि हम सेम अगर हरकत लगा लेंगे तो वी विल ऑल्सो बी लाइक इक्वलेंट. नहीं भाई, आप जो कर सकते हैं यू डू दैट बेटर, क्योंकि आपको मौका मिलेगा सिंगिंग में अगर आप, या एक्टिंग में या किसी भी फील्ड में. तो बी योर सेल्फ, आप जो लेकर आए हैं, आपको जो गिफ्ट मिली है, शो दैट टू द वर्ल्ड. आई थिंक वेरी ट्रू. आपकी जो अपनी पहचान होती है वो अपनी पहचान होती है, उससे आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता. इफ़ यू आर कॉपिंग समवन तो यू विल ऑलवेज बी कॉल्ड एंड कॉपी. तो वी वुड जस्ट वांट टू से बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ एंड कभी हिम्मत नहीं हारना. देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बट अगर आप दिल से कोई भी चीज़ करोगे तो यू विल विन वन डे. थैंक यू.